के हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस की हमारे साथ प्रियंका जी जुड़े हैं। प्रियंका जी, आपसे रिएक्शन, मध्य प्रदेश में वापसी कर रहे हैं, 2018 में तो की थी आपने वापसी, लेकिन बीच में खेला हो गया। देखिए, मध्य प्रदेश में वैसे भी बीजेपी पार्टी जो है थोड़ी कंफ्यूज नजर है। जिस तरह से उन्होंने सीएम का चेहरा, जो 18 साल पुराने सीएम थे, उनका चेहरा ही प्रोजेक्ट करना नहीं रहा सब उनको आसान रहा था। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने 5 साल तक देखा जाए तो 4.5 साल तक जो भी सरकार चलाई वो एक चोरी की सरकार चलाई, और अब जनता उन चीजों से तंग आ चुकी है। जनता ये चाहती है कि अगर हम किसी को मैंडेट देते हैं तो उसको शासन करने का अधिकार होता है और उसको करने देना चाहिए। बाकी रही भ्रष्टाचार की बात, तो पूरी तरह से जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो सामने निकल कर आया। भ्रष्टाचार, 200 से ज्यादा भी भ्रष्टाचार के केसेस थे, और जो सिलेंडर का प्राइस था वो भी एक मुद्दा था। ये सारे मुद्दे लेकर मुझे लगता है कि जनता पूरी तरह से त्राहिमाम थी, और हर तरह से जनता ये विश्वास पहले भी दिखा चुकी थी, और एक बार फिर बहुमत के साथ हम अपनी सरकार वहां बनाने जा रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता इस बार पूरे बहुमत के साथ। चलिए, मैं आऊंगा। अजय दुबे हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजय, मध्य प्रदेश का क्या एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है? कांग्रेस की वापसी हो पाएगी या फिर से शिवराज सिंह चौहान बाजी मार जाएंगे? देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो 230 विधानसभा सीटों पर एग्जिट पोल आने के बाद सियासी गणित पहले भी जब लगाया जा रहा था कि कांटे की टक्कर है, और इस बार भी जो एग्जिट पोल आए हैं लगभग उसी ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जैसे सी वोटर्स की बात करें तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा बढ़त 137 के करीब बताया है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बढ़त पर है और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये बहुमत में जो है कोई भी पार्टी ढंग से नहीं दिख रही है, तो कांटे की टक्कर है मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश, बड़ी बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, उनकी भी साख दाव पर लगी है। कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे मध्य प्रदेश में ओपीएस का मुद्दा हो, चाहे वो आरक्षण का 27% आरक्षण का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं उठाने में प्रबल नजर आ रही है। क्योंकि 2018 पर अगर नजर डालें तो चाहे वो महाकौशल का क्षेत्र हो, चाहे कि आदिवासी बहुल इलाका महाकौशल आता है, वहाँ पर 38 सीटें आती हैं, वहाँ से कांग्रेस को जो है 2018 में अच्छी खासी बढ़त मिली थी। 24 सीटों पर आदिवासी वोटरों ने उन्हें साथ दिया था, तो आदिवासियों का मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस का समर्थन मिला था, इस वजह से जो है कांग्रेस जो है बढ़त पर दिख रही थी। इसी तरह हम चंबल का इलाका ले ले, वहां पर सिंधिया का बड़ा वर्चस्व माना जाता है, केंद्रीय मंत्री है, तो ये बड़ी बात है। अजय अजय, हम आपको रुकना चाहेंगे, आएंगे आपके पास, अजय लौटेंगे आपके पास। तो अजय हमारे सहयोगी, देखिए हमें भोपाल से अपडेट भी बता रहे थे अभी क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में। एक्सिस बाय इंडिया का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस को 127 से 135 सीटें, बीजेपी को 87 से 105 सीटें। अगर बात करें कांग्रेस का लिए ये खुशखबरी है, मध्य प्रदेश में एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। बीजेपी को 87 से 105 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, यानी कि खाते में 8 से 15 सीटें। ये दिलचस्प आंकड़ा होगा मध्य प्रदेश में। हालांकि एग्जिट पोल, देखिए 3 दिसंबर को नतीजे भी हम बताएंगे, लेकिन एग्जिट पोल बता रहे हैं एक्सिस बाय इंडिया में कांग्रेस की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में।